एवरीवन, माय सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि जो पीएयू की सेकेंड काउंसलिंग है वो उसकी डेट है, आपने अगर प्रॉस्पेक्टस में देखा हो तो वो लिखी हुई है। अगर आप आफ्टर ट्वेल्थ अपना पीएयू सीटी क्वालिफाई कर चुके हैं तो वो 11th of 9th month 2023 को, मतलब ये 11 सितंबर को उसकी काउंसलिंग है, सेकेंड काउंसलिंग जो है वो आप अटेंड कर लेना। और अगर आप आफ्टर 10th अपना AAT एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हो तो उसकी 12th को है, मतलब नेक्स्ट डे है 12th of 9th month 2023, 12 सितंबर को है। अब अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग अटेंड करी थी तो आपको एक्सपीरियंस जरूर होएगा ही कि कैसे कैसे सब होता है। आप अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके जाना, जैसे फर्स्ट में लेके गए थे ओरिजिनल भी, फोटोकॉपीज के सेट भी, उसके साथ साथ आप जो है वो व्हाइट फॉर्म जरूर लेके जाना। कई बच्चे पूछते थे कि हमने फर्स्ट काउंसलिंग में व्हाइट फॉर्म डिपॉजिट करवाया हुआ है या मतलब वही है, तो मतलब है तो सेम ही व्हाइट फॉर्म, बट न्यू आपको लेके जाना पड़ेगा साथ। अगर आप पहले डिपॉजिट करवा चुके हो तो दोबारा से उसका सेम प्रोसीजर फॉलो कर लो, अपना जो भी अटेस्ट करवाना है या साइन फोटो जो कुछ भी है वो सारा अपना करके रखो। तो नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो कितनी कितनी सीट्स हैं, कैसे कैसे हैं, वो सर आपको बता देंगे। एक पॉइंट मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, देखो जो सीट्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं जैसा कि अभी बताएंगे अभी सर, तो आप वही कोर्स सेलेक्ट करना जिसमें आपको रैंक के अकॉर्डिंग लगता है कि मिलने के चांस हैं, वही वाला सेलेक्ट कर लेना। और सेकेंड काउंसलिंग में बहुत लिमिटेड सी सीट्स बची हैं, कुछ बच्चे शिफ्ट वगैरह भी करेंगे तो चलो कुछ बहुत थोड़ी बहुत सीट्स निकल आएंगी, बट जो टॉप हमारे कोर्सेज आ जाते हैं उसमें सीट्स काफ़ी लिमिटेड हैं और वो भी जो आपके आगे वाले बच्चे हैं उनको मिलने के चांस हो जाते हैं। तो वैसे हम यही प्रे करते हैं कि आपको मिल जाए चलो इसी बार, बट इन केस आपका कि नहीं बनता वहाँ पे एडमिशन का तो अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हर चीज़ फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नहीं जरूरी होता कि हो जाए, आपके पास नेक्स्ट ईयर भी ऑप्शन आएगा। आप अगर आपको लगता है कि मेरा फेवरेट कोर्स मुझे नहीं मिल रहा है ना, या जो कोर्स है मतलब वो आपके अकॉर्डिंग इतना अच्छा नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है, तो रेदर देन कि आप उस कोर्स में अपना पूरा साल स्पेंड करो, बेटर ये रहेगा कि आप ड्रॉप ले लो और नेक्स्ट ईयर अच्छे रैंक के लिए तैयारी करो और अपना जो डिज़ायर्ड एंड टॉप मोस्ट कोर्स है उसमें अपनी एडमिशन सिक्योर करो। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो अपनी तैयारी अभी शुरू कर दो, सेकेंड काउंसलिंग एक बार अटेंड कर लो, उसके बाद इन केस नहीं होता या नहीं मिलता तो उसकी नेक्स्ट ईयर की तैयारी शुरू कर दो। हमारे पास भी नेक्स्ट ईयर के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। दिस ईयर भी हमारे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे थे, सिंगल डिजिट रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे हमारे बच्चों के ही रहे हैं, वीडियोज़ धीरे धीरे करके आ भी रही हैं। और बाकी आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग अपना कोर्स जरूर सेलेक्ट करना, नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना चाहते हो तो जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो। और आप इस डिस्प्ले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एनुअल बैचेस स्टार्ट हैं जिसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से आपकी प्रेपरेशन स्टार्ट करवाई जाएगी, एंड एडवांस लेवल बिल्कुल सेम वही लेवल और पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करवाई जाएगी जैसा कि ये पीएयू का एग्जाम है। ऐसे ही सेम आप बीसेट का जो है वो भी चेक कर लेना, सेम सीट जैसे ही आपका जो बल्लोवाल सांकरी का एंट्रेंस टेस्ट है उसका भी सेम ही प्रोसीजर आप फॉलो कर लेना। ओके, तो अभी आपको जो सर है वो सीट्स का जो एलोकेशन है वो दिखा देंगे कि कैसे कैसे कितनी कितनी है, तो कनेक्टेड रहना। ये फर्स्ट हाफ हो गया वीडियो का, सेकेंड हाफ में सर बता देंगे, तो वो भी चेक कर रहे हैं बड़ी। तो ये है जी लिस्ट, जैसे आप देख पा रहे हो कौन कौन से कोर्सेज में कितनी कितनी सीट्स हैं और किस कैटेगरी की। फॉर एग्जाम्पल आप सबका फेवरेट कोर्स BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, तो इसमें जनरल कैटेगरी की 3 सीट्स वेकेंट हैं, SC कैटेगरी की 1 सीट है, BC की कोई नहीं है फिलहाल, और ऐसे ही DP कैटेगरी में 3 सीट्स हैं, TA में 2 और PAU वार्ड की 1 सीट है। ये एडिशनल सीट्स होती थी, कश्मीरी माइग्रेंट की भी एडिशनल सीट्स हैं 4। और ऐसे ही हॉर्टिकल्चर में जनरल कैटेगरी में सिर्फ 2 सीट्स हैं, BC कैटेगरी में 1 सीट है, SC कैटेगरी की कोई भी सीट हॉर्टिकल्चर में फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही स्पोर्ट्स पर्सन की 2 सीट्स हैं और DP में 3 सीट्स हैं, TA के अंदर 1 सीट है और PAU वार्ड की भी 1 सीट है, कश्मीरी माइग्रेंट्स की 2 सीट्स अभी भी वेकेंट हैं। BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में 1 सीट है जनरल कैटेगरी की, SP कैटेगरी में 2 सीट्स हैं और PU वार्डन की भी 1 है, कश्मीरी माइग्रेंट्स की भी यहाँ पर 3 सीट्स हैं। एग्री बिजनेस में जनरल कैटेगरी में 1, SC कैटेगरी में 8 मतलब, और BC कैटेगरी में 3, SP कैटेगरी में 2, आर्म्ड फोर्सेज AF में 1, DP में 2, TA में 1 और बाकी कोई नहीं है। ऐसी बाकी कोर्सेज की भी यहाँ पर मेंशनड है, तो आप जो भी कोर्स में जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली सीट्स देख सकते हो और जो नेक्स्ट काउंसलिंग है आपकी उसको आप अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट काउंसलिंग में आपको फिर से वही सेम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आप फर्स्ट काउंसलिंग में लेके गए थे, जैसे वाइट फॉर्म प्लस बाकी जो डॉक्यूमेंट्स का सेट था ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज अटेस्टेड बाय गजटेड ऑफिसर, वो आपको एज इट इज़ लेके जाना है।
फोटोकॉपीज का सेट जो गजटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होगा, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे वो, प्लस फील्ड वाइट फॉर्म, वाइट फॉर्म पे भी अटेस्टेशन होती है, सेल्फ अटेस्टेशन भी होती है और गजटेड ऑफिसर की भी होती है। वाइट फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी सेपरेट वीडियो है, वो देख लेना, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं और कैसे लेके जाने हैं उसकी भी सेपरेट वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो। अगर अभी भी आप लोगों का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट, सेकंड काउंसलिंग है ये और आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा चांस है। अगर इनमें से किसी भी कोर्स में जाना चाहते हो तो यू कैन ट्राई। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।